इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री है लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे पूछा क्यों, अच्छा आपने ऐसे बोला, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। उसकी वजह क्या है, मतलब आपने पूछा है उन्होंने बस इतना। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा पाकिस्तान से बिजली चोरी होती है। भाई वो बिजली अफगानिस्तान थोड़े चीन के ले जाता है, या इंडिया ने कुंडी पाई है, या बीच में नेपाल आ जाता है, या कोई और मुल्क आ जाता है। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है, अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना है। वो हमें छेड़ते पाए गए, हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं, हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं, शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा जुगाड़ी और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते, चलो है नहीं हम ऐसे। सुबह नेशनलिज्म होगी तो करेंगे ना, वो कौमियत का जो जज्बा है वो होगा तो करेंगे। हमारे अंदर वो कौमियत का जज्बा पता नहीं किधर गया है, या हमें शायद कौमियत अच्छी नहीं मिली कि ये लोग जो आजकल पाकिस्तान को चला रहे हैं, मतलब मेरा वजीर आजम दुनिया के सामने जाके कह रहा है मेरे मुल्क में बिजली चोरी होती है। दोस्तों ये इज्जत रह गई है इनकी पूरी दुनिया के अंदर, ये बड़ी डींगे मारते है ना कि वो हमारा मुसलमान भाई है। आप देख लीजिए मुसलमान कंट्रीज के अंदर इनको कोई नहीं पूछता। आपने पीछे सुना ही होगा ना सऊदी अरब और यूएई, इन सब ने मना कर दिया आने के लिए, और अगर आना भी है तो कंडीशन रखी हुई है 5,000 दिरहम। अब बताइए उसका रीजन ही है ना दोस्तों कि ये लोग इन्होंने तो ये एकदम चोरी चकारी तो करते ही करते हैं, धोखेबाजी बहुत ज्यादा है। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इनके अंदर ये भी डर नहीं होता कि यार जेल वेल में चले जाएंगे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे बेकार जाहिल लोग हैं ये, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है ना इनके, तो ये होता बस निकल जाओ, वहां पकड़ेगा तो ठीक, नहीं पकड़ेगा तो लेके आ जाएंगे, बस ये दिमाग में लेके चलते। इसी वजह से ये देश आज तक कभी तरक्की नहीं कर पाया और पीछे का पीछे जा रहा है। और बाकी सुभान अल्लाह इनके जो हुक्मरान है उन्होंने इनको तो जाहिल बना के रखा ही हुआ है, आज वो भी भुगत रहे हैं। खैर दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। इत्तेफाक हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाने का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईरान गया हूँ, ठीक है उधर होकर आया हूँ, इसके अलावा फिर दुबई गया हूँ, उधर होकर आया हूँ। ठीक है, दुबई की अगर बात करें वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद होते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के इंडिया के लोग भी मौजूद होते हैं, क्या हमारे पासपोर्ट की क्या वहाँ वैल्यू है? इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री है लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया, मैंने उससे पूछा क्यों, अच्छा आपने ऐसे बोला, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। नहीं उसकी वजह क्या है, मतलब आपने पूछा है उन्होंने बस इतना, मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना। होटल वालों ने मुझे खुद जो मैंने होटल लिया था ये मैंने तेहरान में तेहरान पहले मशहद गया हूँ, उधर मैंने होटल लिया था, मेरे पास अभी भी कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा फिर मैं तेहरान गया हूँ, उधर से तकरीबन 22 घंटे की मुसाफरत में गया हूँ। मैंने कहा शायद उधर यार उधर भी रिस्पेक्ट हो हमारी, नहीं उधर भी वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान आई लव इंडिया, मैं दिल दुख गया ये पाकिस्तान ये हाल हो गया था। एक चीज मैं भी क्लियर करता चलूं कि मुझे भी यही मेरा एक आइडिया था कि भाई इस्लामिक कंट्रीज में खास तौर पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होगी, खास तौर पे अगर ईरान नेबर कंट्री है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि भाई उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तानियों को उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, वो लव इंडियंस इस तरीके से उन्होंने बोला है, तो क्या वजह आपके ख्याल से, उन्होंने तो रीजन बताई या नहीं, आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? भाई इसकी वजह यही है कि जाहिर बात है वो हम तो इधर जो हमें कोई थोड़ी बहुत अगर ये गरीबों को मिल जाते, जंजले वालों को दरकान वालों को ये कहते हैं भाई ये वो हम खा ले, तो आपने थोड़े दिन पहले मैंने देखा वो यूट्यूब पर, वो काफ़ी साल हो गए हैं वो इतने को हज़ारों के हिसाब से बोरियां पड़ी हुई हैं जो ज़कात वगैरह लोगों को देनी थी सरकार को, ऊपर लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान, उनको दी नहीं उन्होंने, ये सिंध का वाक़िया है या आपने भी बताया सुना होगा। भाई अगर ये हम अड़ गया, वो ओवरसीज वाले नहीं ये देखते सारा, हमारा यूट्यूब चैनल ही सारा देखते हैं, हर चीज़ भाई तो सोशल मीडिया हर चीज़ उनका, भाई पाकिस्तान क्यों है फ्रॉड किया। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा पाकिस्तान से बिजली चोरी होती है। भाई वो बिजली अफगानिस्तान थोड़े चीन के ले जाता है, या इंडिया ने कुंडी पाई है,
या बीच में नेपाल आ जाता है या कोई और मुल्क आ जाता है। इट्स अ क्वेश्चन ना कि क्या है ऐसा, ऐसी क्या चीज है कि आपकी बिजली चोरी होती है, ब्यूरोक्रेसी आपकी, हुकूमत आपकी, इक्तदार आपका, निजाम आपके हाथ में है, सजा जजा आप दे सकते हैं, केसेस आप परसू कर सकते हैं अदालतों में अगर कोई चोरी कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो बिजलियां फ्री इंजॉय कर रहे हैं और बिल कोई और दे रहा है? मतलब ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है। मैं समझता हूँ कि हमें ये अगर पाकिस्तान एक इफेक्टिव टैक्स पॉलिसी ना बनाई, ठीक है जी, और अच्छी जो हमने कैश बेस्ड एक्टिविटी जो है वो करते रहेंगे और हुकूमत को इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे तो होगा, निज़ाम तो फिर ऐसे चलेगा जैसे चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो अगर हम लोग वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो सबको टैक्स देने की ज़रूरत है, एंड देन नोबडी नीड्स टू कंप्लेन, यू जस्ट डू वर्क, वर्क जो आपका काम करने का वो करें। टीचर को टीचिंग करनी है, स्टूडेंट को पढ़ना है, कारोबारी बंदे को अपना टैक्स देना है, और हुकूमत को अच्छी हुकूमत करनी है, ब्यूरोक्रेट को जाके अपने मुल्क के लिए। सो वो नेशनलिज्म होगी तो करेंगे ना, वो कौमियत का जो जज्बा है वो होगा तो करेंगे। हमारे अंदर वो कौमियत का जज्बा पता नहीं किधर गया है, या हमें शायद कौमियत अच्छी नहीं मिली कि ये लोग जो आजकल पाकिस्तान को चला रहे हैं, मतलब मेरा वजीर आजम दुनिया के सामने जाके कह रहा है मेरे मुल्क में बिजली चोरी होती है। और भाई बिजली तो चोरी हो गई सर, आपने उसको चोरी को खत्म करने के लिए क्या किया? क्वेश्चन तो ये पूछा जाना चाहिए, वहां से लोगों को हाथ खड़ा करना चाहिए था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस इन द कंट्री, लार्जेस्ट प्रोविंस इन द कंट्री, एंड व्हाट डिड यू डू फॉर दैट, आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? सवाल तो ये करना चाहिए इससे पहले कि कोई अगला आपसे जवाब पूछ ले, आपने उल्टा सवाल शुरू कर दिया। एंड देन फिर बिजनेसमैन कहते हैं जी कि हम वो इंडिया के टैक्स ज्यादा देते हैं वो लोग। भाई वो लोग टैक्स देते हैं, उनकी वो किसी का दिल करता है टैक्स देने को? वो टैक्स उनसे डंडे के सर पे लेते होंगे, आप ऐसे तो थोड़ा ही होता। किसका दिल करता है, किस बिजनेसमैन का दिल करता है? मैंने तो हमेशा कारोबारी लोगों को टैक्स चोरी करने के तरीके ढूंढते देखे, लोग उनको अच्छे अच्छे लॉयर्स पैसे देते हैं, टैक्सेस चोरी कैसा करना है। आप इंडिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप बर्तानिया में चले जाएं, मैं हर उस बंदे को देखता हूं यूरोप में जहां पे 40-40% टैक्स है, 40-45% टैक्स है, आप इमेजिन करें कितना ज्यादा टैक्स है वहां पे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अकवामे मुत्तहदा में तो हम मेखल 175 पर हैं पासपोर्ट, हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं, हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं, शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो ज़हीन समझते हैं, चलो है नहीं हम ऐसे, ठीक है। और हमारा मसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं, हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए, हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही।